हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और मेरी गुजारिश है भाई रूफन से कि वो दुआ में रहनुमाई करें, सामने आए। हालेलुया रब्बी की थीरिया रथा थोरो तो हम सब अपने रब को बंद करेंगे और खुदावन की हजूरी में सब दुआ करें। जितनी बहनें, जितनी माएं, बच्चे आ चुके हैं, आए हम सब दुआ करें। खुदावन प्यारे खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता हूं, शुक्रगुजारी करता हूं आज के इस दिन के लिए कि तूने एक दिन अच्छा दिन हमारी जिंदगी में बख्श दिया है कि आज हम तेरे घर में आए हैं तेरी इबादत करने के लिए, तेरी तारीफ करने के लिए, तेरी परस्तिश करने के लिए, तेरे के दुआ करने के लिए, तुझसे बरकत पाने के लिए, बीमारियों से शिफा पाने के लिए, गुनाहों से माफी पाने के लिए और जिंदगी में जो मुश्किलें हैं उनसे रिहाई पाने के लिए आज तेरे घर आए हैं। आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजारी करता हूं अच्छे दिन के लिए। आज मुझे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां इबादत हो रही है उन जगहों को तेरे हाथ में देता हूं, उन खादमों को तेरे हाथ में देता हूं, उनको तेरी बरकत चाहता हूं, तेरे भरसा को चाहता हूं। आज खुदावन मैं शुक्रगुजारी करता हूं क्वायर के लिए जो भाई साधु बजाते हैं, उनके लिए शुक्रगुजारी करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता हूं कि आज जितने भी लोग तेरे घर में आ चुके हैं इनके तेरी बरकत को तेरे पास को रूप के मसल चाहता हूं, तेरे आगे दुआ करता हूं, मिन्नत करता हूं। जितने लोग आज आने का इरादा रखते हैं तेरे घर में उनको जल्द से जल्द अपने घर में ला ताकि हम मिलकर तेरी बात कर सके। आज मैं तेरे आगे दुआ करता हूं माओं के लिए, जितनी भी दुनिया में माएं हैं आसमानी बाप, उन माओं पर तेरी बरकत चाहता हूं, उन माओं पर तेरा हाथ चाहता हूं, देकर वो अपने बच्चों के साथ, अपने शौहरों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रह सके। और जिन माओं ने अभी तक निजात नहीं पाई, अपने गुनाह से तौबा नहीं की और यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उन माओं के लिए मैं तेरे आगे दुआ करता हूं, विनत करता हूं, वो माएं यीशु मसीह पर ईमान ले आए और निजात पाए। आज आसमानी बाप बच्चों के लिए बरकत चाहता हूं, बच्चे अपने माँ बाप के वफादार हैं, जिम्मेदार हैं, उन बच्चों पर भी तेरी बरकत चाहता हूँ। जो बच्चे माँ बाप को परेशान, नाराज और गुस्सा दिलाते हैं उनके भी तेरे आगे दुआ करता हूँ, उन्हें समझ दे, दिलाई दे ताकि वो अपने माँ बाप का कहना माने, बात को माने। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ तेरे खादिम के लिए तेरे कलाम को सुनाना है। जब तेरा खादिम तेरे कलाम को सुनाता है तो हम सब सुनकर बरकत पाए और अपने दिलों में रखे, तेरे कलाम पर अमल करने वाले बन जाए। आज हर एक को तेरी बरकत चाहिए, तेरा शुक्र दे सब सुना तो खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह।
गुजारिश है मुबशिर भट्टी साहब से कि वो सामने आए और दुआ करें। आप सब जो देख रहे हैं हमें, मेरी गुजारिश है आप भी दुआ कीजिएगा ताकि खुदा आपको आज बरकत दे। आए सभी सर खुदा की जिम्मेदारी मेहरबान खुदा यीशु के नाम से तेरी हुजूरी में झुकता तुझे सजदा करता हूँ और सारी इज्जत सारा जलाल खुदा बाप तुझे देता हूँ क्योंकि तू जलाल का बादशाह है और तू ही बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदावंद अजीम खुदा है। तेरे जैसा कोई मबूद कोई खुदा नहीं जिसके आगे झुका जाए और जिसे सजदा किया जाए। तू ही सजदों के लायक है और सजदे तुझे ही वाजिब है खुदा। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से लबरेज है खुदा। तेरी मेहरबानियों के लिए रहमतों बरकतों बख्शिशों के लिए जो तूने हम सबको अता की है, जिंदगी जैसी नेमत के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने हम सबको जिंदगी दी और जिंदों की जमीन पर रखा ताकि जिंदों की जमीन पर रहकर खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी तेरी सताइश तेरी प्रस्तुति तेरी इबादत करें। तेरा शुक्र हो आज के फतेहमंद दिन के लिए कि तूने हमें जिंदगी दी ताकि आज के दिन को हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मना सके। खुदा बाप तेरा शुक्रगुजार हूँ दूसरे दिनों महीनों सालों के लिए दूसरे हफ्ते के लिए कि तूने अपने लोगों की हर तरह से मदद की सहायता की। खुदा बाप तेरे लोगों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ जो लोग तेरे घर में आ चुके हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और जो लोग अभी तक नहीं आए उनके रास्ते के काफिलों को खुदा बाप मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से दूर करता हूँ और तेरे घर में तेरे लोगों को मार देता हूँ। ओ खुदा बाप तेरा शुक्र हो ग्वाहिर के लिए खुदा बाप तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ। आजाद वाज राग एक हो और तेरी हुजूरी तेरे बसा तेरे लोगों पर बरसा जाए और बसा के सबाब से इब्लीस के बंधन जुए टूटे और तेरे लोग बड़ी आजादी के साथ खुदा तेरी प्रस्तुति करें। खुदा बाप जितने लोग तेरी हुजूरी में आए तेरी जिंदगी को छू और बरकत दे, बाकी वक्त को तेरे हाथों में देता हूँ, बाकी वक्त में तुम्हारी सहायता करना उसी यीशु के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। आए वर्शिप करेंगे यीशु के नाम को, इज्जत और जलाल देंगे उसके नाम को, बढ़ाएंगे और उसके नाम को ऊंचा और सर्वोच्च करेंगे और के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। Thank you.
मेरी गुजारिश है एडवर्स भट्टी से कि वो सामने आए और दुआ मेरे लिए करें। Oh,
Thank you.
से मैं बरकत पाऊं। सर कुछ कहेंगे, दुआ मांगेंगे, एडवर्टाइजमेंट के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। यीशु मसीह नाज़री के नाम में खुदा बाप, हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, सताइश करते हैं। तू भला है, पाक है, वफादार है खुदावंद, तू अपने लोगों के साथ साथ रहता है। यकीनन खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम सबको खुदावंद खुदा अपने हाथ में संभाला है और आगे पीछे से घेरे रखा है हफ्ता भर की हफाजत के लिए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे साथ रहा है। प्यारे खुदावंद खुदा, आज इस सबक के दिन के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमारी जिंदगी में एक और सबक का दिन दिया, ताकि खुदा बाप हम एक जमात की सूरत में और एक खानदान की सूरत में खुदावंद तेरे आगे झुक सकें खुदावंद खुदा, और तुझे सजदे कर सकें। तेरे कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा, जो तेरे बंदा के वसीला से सुनने को है। प्यारे खुदावंद खुदा, आज के कलाम को खुदावंद खुदा जब हम सुने तो खुदावंद इस पर अमल करने वाले हों। प्यारे खुदावंद खुदा, आज के कलाम को खुदावंद हम अपने साथ लेकर जाए। प्यारे खुदावंद खुदा, आज का कलाम खुदावंद हमारे खानदानों के लिए हो, आज का कलाम खुदावंद कलीसिया के एक एक फर्द के लिए हो। प्यारे खुदावंद खुदा, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे खादम के लिए, प्यारे खुदावंद इसके खानदान के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और खुदावंद खुदा अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर। प्यारे खुदावंद चुप रह कर दुआ को सुन, कबूल कर मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मसीह यीशु के पाक कदूस और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आज आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज के दिन को मदर डे के तौर पर मनाया जाता है। माँ के दलक से बहुत कहा जा सकता है, बहुत कुछ सुना भी जा सकता है, सुना भी है, लेकिन चंद बातें मैं थोड़े वक्त में आपके सामने रखना चाहूंगा। इस मौके पर माँ इज्जत के लायक है, उसका एहतराम करना सबके लिए वाजिब है। हर शख्स मेल फीमेल, लड़की है लड़का है बूढ़ा है, उसको भी अपनी माँ की इज्जत करना रवा है और जरूरी है। ये इल्हाम की बात है, मैं अखलाकियात आपको नहीं पढ़ा रहा, या अखलाकियात भी यही सिखाती है, मैं तो इल्हाम की बातें आपके सामने रख रहा हूं। और इस मौका पर आदमी तौर पर जबकि माँ का दिन मदर डे मनाया जा रहा है, इस मौका पर मैं तमाम माँ को सलूट पेश करता हूँ। आप अपने घर में हैं या चर्च में हैं या जहाँ कहीं भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको भी कहूँगा कि अपनी माँ की इज्जत करना जाने और सीखें, क्योंकि जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो बारहा हमें माँ बाप की इज्जत के बारे में तालीम दी जाती है। 10 हुक्मों में भी माँ बाप की इज्जत का जो है दर्स हमारे सामने आता है। और इस मौका पर जहाँ हम माँ की बात कर रहे हैं, काश हर एक माँ नजात याफ्ता हो, हर माँ सच्ची तौबा के साथ वफादारी से अपने बच्चों की परवरिश करने वाली हो, हर माँ
जहां अपने बच्चों की परवरिश करने वाली है, मेरी दुआ है कि वो अपने शोहर की भी इज्जत करने वाली हो और नाफत को अपने शोहर की इज्जत पर के उसकी दावेदारी भी करना जाने और उसका भी एहतराम करे। मेरे सामने एक माँ का लेसन है उसके बेटे के लिए, उसको बाइबल में से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हम इम्साल की किताब को पढ़ते हैं उसके 31वें बाब पर खोलते हैं तो 31वें बाब में लेमिल बादशाह की माँ उसे कुछ सिखा रही है, क्योंकि माँ जो है इसके लिए कहा जाता है कि ये बच्चों के लिए दर्सगाह है। 31वां बाब शुरू से इम्साल की किताब। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे रहम के बेटे, तुझे जिसे मैंने नजरे मान कर पाया क्या कहूं, अपनी कुवत और तो बना दे और अपनी राहें बादशाहों को बगाड़ने वालियों की तरफ ना निकाल। बादशाहों को एलेमियल, बादशाहों को महकोरी जेबा नहीं और शराब की तलाश हाकमों को शियान नहीं। मबादा को पीकर कवानीन को भूल जाए और किसी मजलूम की हक तल्फी करे। शराब उसको पलाओ तो मरने पर है और मैं उसको जो तलख जान है, ताकि वो पिए अपनी तंग दस्ती फरामोश करे और अपनी तबाहाली को फिर याद ना करे। अपना मुंह गुंगे के लिए खोल, उन सब की वकालत को जो बेकस हैं, अपना मुंह खोल, रास्ते से फैसला कर और मस्कीनों और मजाजों का इंसाफ कर। नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शोहर के दिल को उस पर अतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अय्याम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। पाकलाम का ये हिस्सा जो तलावत हुआ है, इसमें एक माँ अपने बेटे से मुखातब है, बल्कि यूं मैं कह ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मां अपने बच्चे की एक क्लास ले रही है और एक मां जो है उसकी दस्तक का भी हमें अंदाजा होता है। एक बादशाह को ये सब बातें कहना किसी के पास में नजर नहीं आता। मैं बादशाह की बात कर रहा हूं, हाकम की बात कर रहा हूं। हाकम से, बादशाह से कौन अपनी बात कह सकता है या उसको नसीहत कर सकता है, तरबियत कर सकता है, कहना मैं तो बादशाह। लेकिन मां की दस्तक वहां भी है और ये बादशाह जो है जिसके साथ बातचीत हो रही है, जिसको नसीहत की जा रही है, ये अपने दौर का एक जबरदस्त हाकम है। और ये बादशाह जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके फहम की दुनिया में बड़ी बात हो रही है, चर्चा हो रहा है। उस दौर के लोग इसके फहम की कदर करते
इसकी हिकमत की बातों को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। उसके जो फैसले होते थे, जो वो इंसाफ करता था, उसकी बातें सुनने के लिए दुनिया के कोनों से लोग आते थे कि ये किस तरह से इंसाफ करने वाला शख्स है। और ये हाकम है, बादशाह है, लेकिन मां उसे कितनी आसानी से सिखा रही है। आज के दौर में आप देखें, उनका बच्चा बेरावा रवि का शिकार होता है तो मां या बाप परेशान होते हैं, उनके ये की इनकी में कहा कि वो तू फुलानिया कुड़ियों के नाल फिरना है, कुड़ियां ना फिरिया कर, या इस तरह की बातें। लेकिन ये मां बड़ी दलेरी के साथ हाकम के साथ बात कर रही है। क्यों? इसलिए कि वो जानती है कि ये बादशाह तो है लेकिन है मेरा बेटा, और इसकी तरबियत करना मेरा फर्ज है। इसकी नसीहत, इसकी तरबियत के लिए बोलना मेरी ड्यूटी है। ये इल्हाम मुझे कह रहा है कि इसकी नसीहत तरबियत उन्हें करनी है। इसलिए वो बड़ी दलेरी के साथ उसे जनाकारी की तालीम बताती है। कहती है, गैर औरतों के पीछे भागना रवा नहीं है तुझे? क्यों? तू अपनी जवानी को तबाह करता है। ऐ मेरे बेटे, तुझे गैर औरतों के पीछे जाना मुनासिब नहीं है। बादशाह को कह सकता है, उसके बुजुर्गों में से उसे कोई कह सकता है, है? औरी वजारत रह जाएगी, हाँ? पहले वो फारग हुए थे। जड़ कहेगा औरी वजारत कहेगी, लेकिन ये माँ है। ये मैं आज के इस मैसेज में बताना चाहता हूं कि माँ की दस्तक क्या है। इसलिए आज की माँ को भी दलेर होने की जरूरत है। अपने बेटे को, बेटी को जब बेरवा रवि का शिकार देखे, जुर्रत करे, खड़ी हो और उसे कहे कि ऐ बेटी तू गलत है, ऐ मेरी बेटी तेरी राह दुरुस्त नहीं है। लैमिर को, बादशाह को, सुलेमान को उसकी मां वाजे तौर पर ये बात कहती है। शराब नोशी से आज मां कह ही नहीं सकती, बाप ने कुछ कह सकता? बाप ते खुद नाल बह के पीण वाला बनिया होया अज। लेकिन इस मां की दलेरी देखे, कहिंदी बादशाहों को शराब पीना अच्छा नहीं है। तू बादशाह है, तू अपने मर्तबे को पहचान, तू अपने आला औहदे को पहचान। तू बादशाह है, तू अपने उस मर्तबे को पहचान और उस मशा को भी पहचान जो खुदा की तरफ से तेरे ऊपर ठहरा है। क्योंकि कोई हाकम हरगज अंजीली बाइबल के ईमान के मुताबिक बाहर से नहीं होता, खुदा की तरफ से होता है। इसलिए तुझे खुदा ने मकरर किया है और तू खुदा का नुमाइंदा होकर शराबी है। मेरे बेटे, तेरे लिए अच्छा नहीं कि तू शराब पिए। और ये फिर मैं कहूंगा कि ये मां ही है जो इस बादशाह के साथ बात कर सकती है। दूसरे को इजाजत नहीं, दूसरे की दस्तक से ये बाहर है। इसलिए मां को अपनी हसीयत पहचानने की जरूरत है। हम कई दफा ऐसे मौकों पर मां के बारे में बताते जाते हैं, मां 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 मां, लेकिन उसके फराइज उसको सामने लाना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। नाफक उसके एहतराम,
उसकी इज्जत, उसके मकाम, उसके मर्तबे पर बात की जाए, बल्कि उसको भी नसीहत की जाए कि वो हकीकी माँ बनकर दिखाए, एक मसीही माँ, ईमानदार माँ, अपने बच्चों को बेरवा रवि में देखकर आंखें बंद करने वाली हरगज नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो गुनाह करती है, अगर वो ऐसा करती है तो वो बराबर शरीक है अपने बच्चों को बिगाड़ने में। मां को जरूरी है फौरी स्टैंड ले, जुर्रत करे, हिम्मत करे, क्योंकि कलाम ये सिखाता है, क्योंकि वो कर सकती है। दूसरे का बोलना वहां मुश्किल पैदा करेगा। इसमें अगले हिस्से में देखते हैं, बेशक दुनिया उसकी हिकमत की, उसके फहम की, उसके इंसाफ की बात कर रही है, बेशक दुनिया उसके इंसाफ की बातों से हैरान होती है कि किस तरह से इसने बिल्कुल दुरुस्त इंसाफ किया है। लेकिन मां उसे कहती है कि तुझे और भी हिकमत और फहम से इंसाफ करना है, किसी बेकस, किसी कमजोर, किसी नदार को इंसाफ से खाली नहीं रहना चाहिए। अक्सर ये होता है कि बेकस लोग इंसाफ से रह जाते हैं, कमजोर लोग इंसाफ से रह जाते हैं। लेकिन मां उसे कहती है कि जब तुझे ये मर्तबा मिला है तो कोई बेकस शख्स इंसाफ से खाली ना रहे। हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। जहां उम्रा को इंसाफ मिल रहा है, जहां दौलतमंदों को इंसाफ मिल रहा है, जहां आला मर्तबे वालों को इंसाफ मिल रहा है, उसी तरह से तेरी गवर्नमेंट में, तेरी हुकूमत में बेकस, नदार, मस्कीन लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और ये मां भी है जो बादशाह के साथ ऐसी बात कर सकती है, कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। इसलिए मां का मकाम, मैं मां को बताना चाहता हूं कि तेरे पास ऐसा है। कई दफा वो अपने आप को यही समझती कौन सुन रहा है। मां अपने आप को हकीर या असासे कंतरी का शिकार नजर आती है। मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं। मां एक मर्तबा है, मां एक मकाम है जिसको बाइबल मानती है और दुनिया भी मानेगी और आपको भी मानने की जरूरत है। आज की मां इस मौका पर उसे मैं ये कहूंगा, आप सब जो मुझे देख रहे सुन रहे हैं, ये कहूंगा कि मां अपने मर्तबे को पहचाने, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपनी औलाद से आंखें बंद ना रखे। जब भी वो गलती पर है उसे कहे, क्योंकि ये आपको लेमियल की मां बड़ा जबरदस्त दर्श दे रही है और ये कितना जबरदस्त पैगाम है मां के लिए। और जहां बेकसों की बात कर रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि बेकसों की तू खुद वकालत करना, वो वकील नहीं रख सकता, तो उसकी तरफ से वकील बन जाना, उसकी तू खुद वकालत करना। क्या ही भली आज की वो मां हो जो इस तरह से अपनी औलाद की तरबियत करे। फिर आगे बढ़ते हैं तो अक्सर हमने कपल के मौका पर इस आयत को सुना है,
लेकिन आज इसको एक मैं दूसरे एंगल से, जिस तरह से उसकी लेमुएल की माँ जिस एंगल से दे रही है, उस एंगल से मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। और बड़ा जबरदस्त लिखा है, हालेलुया, नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी ज्यादा है। उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। ऐ मेरे बेटे, वो अपने जब सब भक्ति कर रही है तो वो अपने बेटे के इस दबाज को भी मजबूत बनाना चाहती है। वो अपने बेटे के इस दबाज के बारे में भी फिक्रमंद नजर आती है। वो चाहती है कि उसका बेटा जो है, उसकी शादीशुदा लाइफ जो है, इस दबाज जो है, वो मजबूत नजर आए। मैं देख रहा हूं कि इस मौके पर ये माँ जो है, हर पहलू पर, हर एक एंगल से, हर तरह से वो अपने बेटे के साथ बात करती हुई नजर आ रही है। और वहां से कहती है, बीवी के तलक से, ये माँ का दर्श है, ये माँ का पैगाम है। ये माँ ये चाहती है कि उसका बेटा अपनी अपनी बीवी के बारे में हकीकी तारीफ को रखे और उसकी इज्जत करना जाने, उसका एहतराम करना जाने, उसकी कदर करना जाने और उसकी कदर में वो बताती है कि तेरी खुशहाली और सब कुछ बहाली है। अगर तू खूब मुनाफा पाना चाहता है, अच्छा बिजनेस करना चाहता है, तो तेरी बीवी जो है उसका हिस्सा है। अपनी बीवी को समझ। इस हिस्से में जबकि वो अपनी बीवी, उसकी बीवी के तलक से, उसके इज्दवाज के तलक से बात करती है, तो इस 31वें बाब के शुरू ही में वो बता रही है कि तुझे गैर औरतों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, गलत है। तू जिस तरह से करता है, जैसा हो रहा है, जो देखा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, वो तेरे हक में अच्छा नहीं। तू अपनी बीवी के साथ वफादार हो। नेक बीवी तुझे मिली हुई है, कितनी अच्छी तुझे बीवी मिली हुई है, और तू अपनी उस नेक बीवी की कदर नहीं करता। मेरे बेटे, ये गलत है। काश आज की मां इस तरह से अपने बच्चे की फिक्र करे, अपने बेटे की फिक्र करे। मैंने तो देखा है कई जगहों पर माएं देखती हैं, हालांकि बच्चा गलत जा रहा है, उसकी बीवी ने एहतजाज किया है, उसने कहा है कि ये गलत जा रहा है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, और उसकी मां ने, बेटे की मां कहने तो छे गल ने, तू तो मुंडा है, नाता घोड़ा की कहने जी मर्द का, हाँ नाता तो घोड़ा है, हाँ तू तो मर्द है। अज बहुत सारी माए उन्हें ऐसे सबक देती हैं, कहती है छठ हूं तेन पढ़ी लिखी करावगी, हाँ जी हाँ जॉब वाली होगी, नौकरी भी करती होगी, है साढ़े को गलती होगी सी। लेकिन ये मां अपने बेटे के इज्तवाज को मजबूत बनाना चाहती है। ये अपने ये अपने बेटे के इस दबाज के बारे में फिक्रमंद है कि ये गैरों के पीछे भाग रहा है, इसका इस दबाज खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, इसको तो बड़ी अच्छी नेकोकार बीवी मिली हुई है, ये क्यों गलत जा रहा है। और वो
अपने बेटे के इज्दवाज पर विवाद कर सकती है। आज की मां क्या सोई हुई है? आज की मां क्या बाइबल की तालीम से गाफल है? आज की मां जो ईमानदार, कम से कम जो ईमानदार अपने आप को कहलाती है, वो भी ऐसा नजर आती है तो कि ये मुनासिब है? मां के दिन के मौका पर मैं तमाम माओं से इल्तिजा करूंगा, उनके सामने इस दरख्वास्त को रखूंगा कि मेहरबानी से गलती ना करें, अपने बेटे की खुद तरबियत करें। ये आपकी ड्यूटी है और ये आपकी पहुंच में है। जिस तरह ये माँ बादशाह के साथ, हाकम के साथ बात कर रही है और उसे बेटा कहकर मुखातब कर हो रही है, तो आपका भी बेटा तो बेशक अफिसर बन गया है, हाँ तो है तो आपका बेटा, ठीक है। इसलिए दलेरी करें, कोशिश करें, आए हम अपने सर खुदा की हुजूरी में झुकाएं और दुआ मांगे। हालेलुया, अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे, इस मौका पर खुदा उनकी स्ताइश करेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। थैंक यू जीसस। ऐ रब फाज, ऐ लश्करों के खुदा, इस दिन के मौका पर मैं तेरे हुजूर में तेरी शुक्र गुजारी करता, तेरे पाक नाम को जलाल देता हूं और मेरी दुआ है कि लहमियत की मां की तरह ये तमाम माएं अपने फर्ज को पहचाने और हमेशा अपने बच्चों की तरबियत और नसीहत करने वाली हों, यीशु के नाम में आमीन। इस मौका पर हमारे साथ मुबशर बर्टी हैं। जब हमारी वालदा की डेथ हुई, ये पंजाब में थे और रास्ते पे आते आते इन्हें एक गीत मिला, उनको मैंने कहा कि एक दो बोल वो जरूर सुनाए। ये गीत जो मैंने लिखा है 2009 में, मैं कुछ बीमार हो गया और ये मेरे बड़े भाई हैं और इनसे छोटे मेरे भाई हैं अजमत, इन्होंने मुझे यहाँ पे बुला लिया और आज के लिए। वो मेरी वालदा जो थी वो बड़े भाई के यहाँ रहती थी और मैं छोटे भाई के यहाँ रहता था, और मैं रोजाना उनसे मिलने के लिए ना जाता था, और अगर कभी किसी दिन नहीं गया, दूसरे दिन जाता तो मेरी वालदा कहती थी, वो मुझे प्यार से पप्पो कहती थी, पप्पो पुत्र कल मैं तेरा राय में दी रही। और जब मेरी वालदा 2011 में 9 मई को फौत हुई तो मैं बजरिया कोच सरगोदा से कोटा में आया और यही बातें मैं सोच रहा था कि आज तेरी राह देखने वाला कोई भी नहीं। मेरी गुजारिश है उन बेटे बेटियों से जिनके मां बाप जिंदा है, उनकी कदर करें, उनकी नसीहत को माने। यकीन जाने जब ये हस्तियां दुनिया में नहीं होती तो हमें इनकी कमी बहुत महसूस होती है, कदम कदम पे इनकी याद आती है। और इनके तलक से बाइबल में लिखा है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत कर तो मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। खुदा ने बहुत रुतबा दिया है माँ बाप को। अम्मा
सारे पावे
कुर्सियों को वो छोड़े करते हैं आज के इस दिन के लिए खुदा खुदा आज के कलाम के लिए जो तेरे कादम के वसीला से हमने सुना है माँ के तलक से खुदा खुदा शुक्रगुजारी करते हैं उन माओं के लिए खुदा खुदा जिन बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है पाला है पोसा है पहले खुदा खुदा उन बच्चों को खुदा खुदा ये तौफीक दे ताकि खुदा बाप अपनी माँ की और इज्जत करे पहले खुदा खुदा और अपने माँ बाप के फरमा बरदार ठहरे मेरे खुदा खुदा उन माओं को सेहत तंदुरुस्ती दे मेरे खुदा और खुदा खुदा शुक्रगुजारी करते हैं कि माँ से पहले खुदा खुदा खानदान वजूद में आते हैं मेरे खुदा और खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तो वागोजन उधर मांगते मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन खुदा उनके हुजूर अपने हदीये नजराने गुजराने के और पायर के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे मदरसे का गीत गाएंगे एक और गीत जो है मदरसे का क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे और खुदा के नाम को इस तरह चलाएंगे
आए हम सुर को शिकायत और दुआ करें, हर एक आंख खुदा उनकी हुजूर में बंद हो जाए। अब खुदा का शुक्र अदा करें इस दिन के लिए जो खुदा ने आपकी जिंदगी में बख्शा और आप खुदा की हुजूरी में हैं। अब खुदा को मुबारक कह रहे हैं और स्पेशली तौर पर इस मदर डे के ऊपर आप अपनी माँ के लिए दुआ करें, अपने बाप के लिए दुआ करें। आप उनके वसीला से यहाँ हैं, आज आप जो कुछ भी हैं अपने माँ और बाप के वसीला से हैं। आप उन दोनों के लिए दुआ करें, आप उन दोनों के लिए बढ़कर जाएं और कहें कि खुदावन तू मेरी माँ को बढ़कर दे, तू मेरे बाप को बढ़कर दे, क्योंकि खुदावन जो खुदा है वो फैमिलीज का खुदा है। और खुदा ने बागे अदन में जब बनाया तो उसने आदम और हवा को बनाया, उसने माँ और बाप को तख्लीक किया, और उसकी तख्लीकात में से ये एक खूबसूरत तख्लीकात है। आप उस क्रिएशन का शुक्र बजाना खुदा के खुदा, इस मदर डे के ऊपर हम तेरा शुक्र बजलाते हैं और खुदा तेरे नाम को जला देते हैं कि तूने एक खूबसूरत रिश्ते को डेवलप किया। इस रिश्ते के लिए तेरा शुक्र बजलाते हैं और तेरे बंदा ने खुदा बड़े एहसन तरीके से तेरे कलाम को सुनाया और खुदा क्वायर ने बहुत अच्छी तेरे हुजूर वर्शिप की और तेरे बंदा ने खुदा मुबशिर भट्टी ने खुदा बहुत अच्छी उस गीत को गुनगुनाया खुदा जो खुदा तूने उसको दिया। इन सारी बातों के लिए मेरा दिल खुशी से लबरेज है और खुदा मैं दुआ करता हूँ कि हम सदा इसी तरह तेरे नाम को जलाल देते रहें, सदा खुदा हमारी जिंदगी इसी तरह तेरी प्रस्तुति जारी रहे और हम अपने माँ बाप के लिए खुदा तेरा शुक्र बजलाते हैं। तो इस दुआ के वसीला से जो जो इस दुआ को सुनता है हर एक शख्स के माँ और बाप को बरकत दे और खुदा हर एक शख्स अपने माँ और बाप के लिए बाइस बरकत हो। इस हदीय नजराने के लिए खुदा जो लोगों ने तेरे जोर बीज बोया है इसको भी अपने जोर को भूल कर और इसके बस बरकत दे मसीह यीशु के नाम से। आए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माने जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस समान की गड़बड़ को माफ कर दे, तू भी हमारी कर सकते हमें इस तमाश में बल्कि प्राइस क्योंकि पास नहीं सकते। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फिर से खुदा भाव की मोहब्बत रूह को तस्कीर फा को दूसरा अब से लेकर तमाम कदस लोगों के साथ बिलखसूस हाजिर जमात के साथ हम सबों के साथ और आप सब जो इस वक्त अपने घर में देख रहे हैं इन पर भी ध्यान दीजिए।